हजरत कह रहे हो वो आ गए हैं, तुमका काम भरा है किसान देने के लिए तुम लोग उनका काम करें। तो इस सरकार से पैदा होंगे एक कदीस में है कि 70,000 उलमा बाजार से जाते होंगे। बिल्कुल ये भी है ना, आप विभाग से कैसे निकाल होंगे और उलमा भी तो बहुत लोग बताएंगे। जब विभाग रहेगा तो नहीं मान पाएगी, हिम्मत रहेगी हमें पता नहीं चलता, मालूम जहां आप जाओ और मुझे मकान दे दो वापस लोग बैठ लेगा नहीं तो मालूम साहब चले जाएंगे। सब मसलों का जो आप विचार दे रहा है क्योंकि वो दोस्तों का भी पहुंच था ना, सारे मसले को आते हैं ना, सब मसले का जवाब दे देगा। उसका दिमाग मौजूद है अगर मौलवी साहब का है, है। अब रह गया दिल, दिल में तो अल्लाह ही है मौलवी साहब की सुबह छोटा सा शैतान जिसमें फिर बनवा दी। अब इसके दिल में छोटा सा शैतान है ना तो वो विचार में तो बड़ा शैतान होगा ना, दिमाग तो उसका मुतमिन हो गया मसलों से और उसके दिल ने उस शैतान को भी कबूल कर दिया ना, वो उसका जाकर बैत हो गया। अब मजलिस इस्लाम के पास वो कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, मजलिस इस्लाम के पास नहीं उनवा जाएंगे, उनके दिमाग मुतमिन नहीं होंगे, दिल भी मुतमिन नहीं होंगे क्योंकि दिलों में शैतान है ना। जिसके दिल में नहीं होगा वो पहले जोन का भी सही दिल में नहीं होगा, नूर के सामने जाएगा नूर को मत हो गया ना। तो ऐसा ना हो तो बिल्कुल बहुत बड़ा आलम था, बड़ी इकबाल करता था, मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करी वो एक कुत्ते की शक्ल में दौड़ में जाएगा। तो कुत्ता है साबत काश का कुत्ता, वो साबत काश से मोहब्बत करता था, कुछ वाले बड़ी फिर मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत थी, वो उस बिल्कुल बहुत की शक्ल में जन्नत में जाएगा ना। अब तुम वो सच्ची मोहब्बत पैदा करो तो सच्ची मोहब्बत तब होगी जब तुम्हारे दिल में अल्लाह लाएगा, तब तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी ना, तो गलियों से भी हो जाएगी तो मैं भी इस्लाम से भी हो जाएगी। इसके बाद तुम मैं भी इस्लाम को कभी भी नहीं पहचान कर सकते। हम बोलते हैं तेरे को गुजार आपने किया बहुत आसान है, अगर करना चाहिए तो आप करवा सकते हैं, हमने भी किया है वो एकदम सीखे हैं ना, इसके लिए हम लाल बाग में गए, लाल बाग दुआ है, हम वहां 3 साल गए, वो एकदम सीखा और कली सकते हो तो मंदा तक दुआ होगी। लेकिन जो कराया हम पहले समझते थे हम तो यही बताया जाता सबसे ज्यादा दरिया जवाना और अभी बकर सलीम का, लेकिन जब हम तो जो गुजार कर रहे थे हम तो नहीं कराते भी कौन हो गए तो सब नहीं करा रहे हैं। अब हम यही कहते हैं कि हमारे लिए अगर कभी सुबह हमने हम कभी बकर सलीम प्रोग्राम नहीं करते दरिया काम है, लेकिन उनका दर्जा है हम तो इसके लिए हम इसी लिए बैठे हुए हैं, आए ना कभी आए हैं जो आपके हैं बैठे हैं तो गुजार कराते हैं आपको गुजार कराया। अगर रहने शुरू में डॉक्टर कृपा नामक को तकसीम कर दिया है तो फिर क्रिकेट के मौके सोच लेते हैं शरीर आम थी आम लोगों के लिए ग्राम गरीब आम के लिए था, वो दस का 10 साढ़े 7 लाख के लिए तो सिर्फ 9 साबा बन गए थे, वो 9 साबों से वो नक्शबंदी थे कश्ती तकाली सरबंदी चले ना। अब उन में से भी अब सिर्फ 3 रह गए कश्ती नक्शबंदी काजी सरबंदी कर लंबे सवाल कभी आपने फरमाया कि अल्लाह के दिल में पाकर इंसान मोमन बनता है और वली कामल नगर मोमन बनाती है, जब अल्लाह का जिक्र दिल में आता है तो क्या दिल में अल्लाह का नूर बनने के बाद अल्लाह शैतान काबू आते हैं, ये तो जरूर है। जब दिल में अल्लाह चला गया तो जितनी दुआइयां वो खुद खुद ही खत्म हो जाती है।
तो आप जैसे भी तुम कहा है आप पढ़ना रख रहे हैं जब अल्लाह वाला अंदर जाएगा अगर तू शराबी भी है तो अल्लाह वाला अंदर जाएगा तो शराब कितना बड़ा पापी जो तुमने बात किया है अल्लाह वाला जाएगा ना तो तेरे गुनाह को जला देगा ना मेरा शाही मेरा शाही अंतर वक्त मलंग रहेंगे थोड़ा वक्त और बात कर लू जब नमाज पढ़ता है उसकी फाइल से लिखते हैं नमाज पढ़ी लेकिन लिखते हैं उसकी फाइल से लिखते हैं तहजीब नमाज वो भी लिखते हैं लेकिन जब वो नमाजों में पढ़ता है ना तो दिल में थोड़ा सा करता जरूर आ जाता है ना और उस दिन क्या होता है नमाजों को फैल कर दी तो तकबर इस असल बहुत में दिल क्या होगा जब दिल स्वा हो गया तो अल्लाह ताला कभी कभी इस मखलूक को देखता है उसका पहले नहीं देखता वो दिलों को देखता है ना तो फैले तो वजन गमलों के लिए ना और दिल अल्लाह के लिए ना भाई जब वो फैल के लिखते हैं दिल पर डब्बा क्यों लगाते हैं एक डब्बा उद लिखते हैं एक डब्बा दिल में लगाते हैं वो किस वजह से अगर दिल अल्लाह के मुख करिए दिल देख लेगा कितना भी जिम्मेदार है अब क्या हुआ उनका दिल जो है ना तो सा ताला हो गया दिल को सफेद करने वाला सबक सीख लिया ना अभी दिन में हर दिल को साफ करने के लिए नहीं लगती क्या है दिल को साफ करने के लिए अल्लाह बनता है उसने अल्लाह ने नहीं दिया अल्लाह का दिल मनावर हो गया साफ हो गया चमक उठा फिर जब अल्लाह ने देखा उसकी फाइल को नहीं देखा उस समझ के हुए दिल को देखा उसके अंदर बहुत हो गया ना अब जब तू कोई डाल दी है पैर तेरी गुरुओं से भरी हुई भी है दिल को चमका दे तो तेरे कुछ परवाह नहीं है और एक अल्लाह ताला और माता मैं किसी क्यों गुमराह करूं किसे क्यों हदायत दूं लोग कहते हैं मैंने नमाज पढ़ ली मुझे हदायत होगी हम कहते हैं हदायत नमाजों में नहीं है अगर नमाजों में हदायत होते सारे नमाज नहीं होते भाई अगर हदायत से पलक दौर में सोचता सड़क दौर में नहीं होते ना हदायत से पलक बिना सो अगर तुमको अल्लाह ने हदायत दी तो तुम्हारे दिल अल्लाह वाला में लग जाए अगर दिल अल्लाह वाला में नहीं लग जाए तो मेरे को हदायत नहीं अगर हदायत होगी तो तुम्हारे दिल अल्लाह वाला में लग जाए बहना चाहे दुकान के साथ अल्लाह वाला मिला जो आपको बंद कर दिया मुसादा किया हुआ है लेकिन जब या अल्लाह पढ़ेंगे या अल्ली पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह इसे पत्थरों को रगड़ कर अल्लाह अल्लाह बीच में चादर दे दी वो या बन गया ना तो फिर उसमें वो तासीर नहीं है या अल्लाह पढ़ेंगे ना तो इसमें वो रगड़ नहीं लगती है ना अल्लाह अल्लाह पढ़ना पड़ता है तो वो रगड़ लगती है ना इसी तरह भी यहां अल्लाह पढ़ेंगे ना इसमें स्वाद नहीं है लेकिन अगर रगड़ है वो रगड़ नहीं लगेगी अगर बीच में या आ गया तो इसमें फिर अल्ली 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 दिल की धड़कना भी अल्ली अल्ली नहीं लगा